हाय क्लास नाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अभी 2-3 दिन पहले। क्लास नाइन के लिए फाइनल एग्जाम्स आपके आ रहे हैं टॉप एमसीक्यूज के नाम से। उसमें 4 चैप्टर्स मैंने आपको कराए थे, जिसमें नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप एमसीक्यूज मैंने आपको कराए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं जो इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ चैप्टर्स, लाइंस, एंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स एंड स्टैटिक्स, एमसीक्यूज पे मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, जस्ट आई नीड वन थिंग फ्रॉम यू, आपको कंसंट्रेशन से सुनना है, बहुत कुछ इसको सीखोगे आप। अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करेंगे। सुनो क्या कहता है ये क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी फाइंड एक्स, फिगर प्लॉट है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम करते हैं एक लाइन ड्रॉ। ठीक है जी, ड्रॉ करते हैं लाइन एल से पैरेलल टू ए बी। ये बात लिख देना, देखो मैं लिखूंगा तो वीडियो लेंथी होगी, मुझे आपको क्वेश्चंस कराने हैं काफी सारे विद कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव है। तो गिवन क्या है बेटा, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो ए बी पैरेलल है सी डी, बेटा ये जो निशान बनाया हुआ है ये पैरेलल का होता है। ठीक है, ये तो गिवन हो गया। ठीक है, हमें जस्टिफिकेशन भी देना होता है एमसीक्यूज का। हमने क्या करा, ड्रॉ करा एक लाइन पैरेलल ए बी। ठीक है, ये हमने करा बाई कंस्ट्रक्शन। अब एक बात सुनो, ए बी सी डी के पैरेलल और ए बी एल के भी पैरेलल, तो हम कह सकते हैं लाइन एल पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी बाई थ्योरम, है ना। ये थ्योरम है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये लिख देना। अब एक बात सुनो, इस लाइन और इस लाइन को देखो। ठीक है, तो दिखते हैं जब लाइन एल पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक, अब देखो ओ बी क्या है, ट्रांसवर्सल, लिख देना जो लाइन एल को ओ पर और ए बी को बी पे इंटरसेक्ट करती है। अब बहुत ध्यान से देखो, ट्रांसवर्सल लाइन और इस लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन और इस लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है बेटा ये बताओ जरा, दोनों ऑल्टरनेटिंग टेर एंगल, तो एंगल इसको वन मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल वन इक्वल्स टू 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। अब सुनो, अब फिर से देखते हैं जरा केस सेकंड के अंदर, लाइन एल किसके पैरेलल है, सी डी के। अब यहां देखो ओ सी इज ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स लाइन एल एट ओ एंड सी डी एट सी, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा है, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 30 होगा तो इसको 2 मान लें। ठीक है, तो यहां लिखते हैं तो एंगल 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात सुनो, एंगल 1 नाउ लिखो यहां पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकाल लो कितना होगा, ये 45 हुआ, ये 30 हुआ, तो कितना हो गया 75। अब एक बात सुनो ना, आप यहां से चले, ठीक है, और यही पहुंच गए वापस। देखो यहां से कह रहा हूं मैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स थ्रू ए पॉइंट इज व्हाट, 360 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, वो देखो ना 1 + 2 का ये पीछे वाला रिफ्लेक्स ही तो है। तो यहां कह देंगे हम देयरफॉर एंगल एक्स, जो कि क्या है, रिफ्लेक्स है इसका एंगल 1 + एंगल 2 का, यही तो है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से हम ये 75 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 15 में 7 या 8 और 2, 285। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन दी सॉल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्या कहता है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल, 4 ऑप्शन दिए हुए। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सुनो, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। क्या होता है ये देखो बेटा, अगर एक एंगल एक्स है, ठीक है, और दूसरा एंगल वाई है, इन दोनों को मैं एड करूंगा तो 180 आता है। हम कहते हैं दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, अगर ये एंगल है बेटा, ठीक, तो ये एंगल का सप्लीमेंट एंगल है। कौन है, सप्लीमेंट एंगल। तो यहां से मैं सप्लीमेंट एंगल निकाल सकता हूं 180 माइनस एक्स, आया समझ में। सिमिलरली अगर एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल वाई है, ये बेटा एंगल है, ठीक, और इसका ये सपोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम कितना है 90, तो मैं यहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकता हूं 90 माइनस एक्स।
अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, क्या कहा गया है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाता हूं मैं सभी बच्चों को। तो यहां देखो, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट कौन है, ये रहा, ठीक है, तो 180 माइनस एक्स इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, थ्री टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन है, 90 माइनस एक्स, ठीक है जी, एक्स बताना है, एक्स कौन है दोनों केसेस में, एंगल है, तो 180 माइनस एक्स ये हो जाएगा 270 माइनस 3x, ठीक है, डिग्री विग्री लगा देना आप। अब ये 3x इधर आएगा तो 3x देखो ना, ये माइनस का है तो इधर आगे प्लस बनेगा, 3x माइनस एक्स, 270 यही रहा और 180 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 270 माइनस 180 कितना हो जाएगा 90, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं कराता रहूंगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाइन एंड एंगल से, क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ये ए एम है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री, ठीक है जी, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देखो ये पूरा एंगल ए है, तो ए एन जो है यहां से यहां तक ए एन, ठीक, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है यानी इतना पार्ट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये इक्वल हुआ, ठीक है, एंगल बी 65 है, एंगल सी 33 डिग्री है, फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइंड आउट क्या करना है, एम ए एन फाइंड आउट करना है, कहां बन रहा है, देखो जब एंगल फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले ऑब्जर्व किया करो वो एंगल बन क्या रहा है, कहां बन रहा है वो, तो ये रहा एम ए एन यानी इतना एंगल, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, लाइन एंगल्स का यही मजा है, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है, ठीक है, क्या करते हैं देखो सुनो, करते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में आओ आप, सबसे पहले देखो 65 डिग्री जो गिवन है प्लस 33 डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, एंगल ए फाइंड आउट कर लो इससे आप, ठीक है, 180 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, इधर ये प्लस हो के माइनस हो जाएंगे उधर 5 और 3 यह माइनस हो जाएगा 8 और 6 और 3 98, तो बेटा ये 82 डिग्री आ जाएगा एंगल ए, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ए एन क्या है, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो बेटा अगर मैं इसका हाफ करूं, हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 82 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल ए, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, 41 डिग्री आ गया, यानी इतना यहां से यहां तक ये भी 41 और बेटा यहां से यहां तक ये भी 41 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक इसका नाम क्या हुआ, बी ए एन, ठीक है, एंगल बी ए एन कितना आ गया, इससे मुझे फायदा मिलेगा ना, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल, यहां आ जाते हैं जरा, इन ट्राइंगल बी ए एन, बी ए एन में क्यों आ रहा हूं मैं, बी ए एन में देखो एंगल बी कितना है 65 डिग्री, ठीक, और ये एंगल बी ए एन यहां से लेके यहां तक ये मैंने निकाला है 41 डिग्री, ठीक, इससे आप ये वाला एंगल निकाल लो, से एंगल वन, एंगल वन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 1 2 3 4 डाल के जल्दी हो जाता है काम, तो एंगल वन की वैल्यू आ जाएगी 180, ये उधर ले जाओ माइनस 5 4 1 6 और 10, ठीक है, तो एंगल वन की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7, ठीक है, 74 डिग्री आ गया, ठीक है, कौन आया, ये मेरे पास आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन किस ट्रायंगल में, एम ए एन में, ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एम ए एन, ठीक, एम ए एन में एंगल वन प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री और मुझे निकालना क्या है, एम ए एन, एम ए एन कितना सम होगा इसका 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल वन अभी निकाला 74 डिग्री प्लस 90 प्लस एंगल एम ए एन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल एम ए एन की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस, ये दोनों प्लस करके उधर माइनस होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 60,
ठीक है, फोर और नाइन और सेवन सिक्सटीन, 180 में से 164 माइनस करोगे 670 और 10 16 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़िया लगा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब पढ़ाने के लिए है आपको यहां पर, इस चैनल पे आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझते रहो। देखो फोर्थ क्वेश्चन भी लाइन एंगल से है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला भी। ये फिगर आपको दी हुई है, क्या कहता है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है जी एच पैरेलल के एल, कहा है जी एच, जी एच और के एल, देखो ये भी पैरेलल है। ठीक है, ओके, आपको एच के एल निकालना है, एच के एल कहां बन रहा है ये एंगल, पहले तो ये देखो बन कहां रहा है एंगल, एच के एल यानी ये वाला एंगल, फील करो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले क्वेश्चन कितना बढ़िया है लेके आया हूं आपके लिए। देखो सुनो, पहले इसको ना ओरली कराता हूं, फिर सिस्टमेटिक वे से आपको कराता हूं क्या करना है इसमें। सुनो, जब ये वाली देखो, एक काम करते हैं इस जी एच को ना एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, लेट अस एक्सटेंड जी एच। ठीक है, इंटरसेक्ट ए बी से दिस पॉइंट इज आई, इतनी बात लिख देना। अब सुनो, देखो सी एच को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक रे है, चलो मैं साथ साथ कराता हूं, एक रे है जो स्टैंड है इस पर स्टैंड है सी एच, इस जी आई पर, बिल्कुल है जी। तो लीनियर पेयर लगा सकते हैं ये 60, इसका एडजेसेंट एंगल बनेगा ये से दिस एंगल इज 1, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा या नहीं होगा बोलो, लीनियर पेयर, बिल्कुल ठीक बात है। तो एंगल 1 मेरा 120 डिग्री आ जाएगा एंगल 120 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखो, सी डी और ए बी पैरेलल है और एच आई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बेटा जब ये एंगल 1 है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, 1 ही होगा। देखो बहुत ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड पे है, एक लाइन के अंदर है एक लाइन के बाहर है, तो लिखेंगे यहां पर ए बी पैरेलल है सी डी और आप लिख देना एच आई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू, ये एंगल 1 था, ठीक है इसको 1 लिख दिया मैंने, इसको 2 लिख दो। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, और ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल्स टू 120 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ जरा बहुत ध्यान से देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, अरे देखो ना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, हम इसने खुद कहा था ना जी एच पैरेलल के एल, तो ये जी एच को ही तो हमने आगे एक्सटेंड किया हुआ है और के एल पैरेलल यानी ये और ये पैरेलल, तो ये ए भी एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है जो इस वाली लाइन को यहां इंटरसेक्ट कर रही है और इस वाली लाइन को यहां इंटरसेक्ट कर रही है। फिर से देखो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो ये अगर एंगल 2 है तो इसको एंगल 3 मान लो, इतना होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 120 डिग्री, सेम रीजन। अब मेरे पास एंगल 3 आ गया यानी इतना एंगल आ गया मेरे पास, इतना यहां से यहां तक, मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए यहां से यहां तक, हो गया काम मेरा। देखो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और बेटा एच के एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला एंगल, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना 25, तो ये भी कितना हुआ 25 डिग्री, तो हम यहां लिख देंगे, ठीक है 3, तो इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 डिग्री, लिख देंगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और साथ में ये भी लिख दो कि यहाँ पे जो हमारी के एल है इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। देखो मेरे माइंड में ना सिर्फ ये चल रहा है कि मैं आपको क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कराऊं, थ्योरिकल नहीं चल रहा है, ठीक है इसलिए, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है फिर भी वीडियो लेंदी हो जाती है, बच्चे कहते हैं कि सर इतनी लेंदी वीडियो, अरे कॉन्सेप्ट तो देखो सर, ये बता रहा हूं मैं आपको। अब सुनो,
अब हमारे पास जो हमारे पास एंगल आएगा एच के एल, तो देयर फोर लिखते हैं एंगल एच के एल, क्या वैल्यू पड़ रही है एच के एल की, एच के एल एंगल फोर प्लस एंगल थ्री। बेटा फोर की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री है, और बेटा थ्री की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री है। देखो थ्री की वैल्यू कितनी आई 120 आई, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, बढ़िया लगा ना क्वेश्चन। चलो अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका फेवरेट चैप्टर। क्या कहता है, द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। फोर ऑप्शन है, उनमें से आप ऑप्शन बताइए। देखो एक फिगर बनाने से ना थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो कहीं ना कहीं 64:27 वॉल्यूम्स का रेशियो है। ठीक, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी। तो एक थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, एक बड़ा स्फीयर होगा, ठीक है, एक छोटा स्फीयर होगा, तो से दिस इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। आप आर वन आर टू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वी वन वी टू, तो इसका बेटा वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है वी वन अपॉन वी टू। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ, वी वन अपॉन वी टू कितना दिया हुआ है 64/27। जैसे करा रहा हूं ना, इसको हैबिट डाल लो, करने की बहुत अच्छे से कर पाओगे, समझ गए। अब क्या करेंगे, आर अपॉन आर निकालना है, सरफेस एरिया के लिए रेडियस तो चाहिए, तो टेकिंग लिख देंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका भी क्यूब रूट लिया, इसका भी क्यूब रूट लिया। ठीक है, तो 64 का क्या लिखेंगे, 4 × 4, चलो करके दिखा देता हूँ, 4 × 4 × 4, यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3, क्यूब रूट में तो पेयर बनते हैं ना, ये तीन के पेयर बनते हैं, और यहाँ से आर आ जाएगा बाहर, यहाँ से भी r × r × r करोगे तो एक आर बाहर, और नीचे से भी एक आर बाहर, तो आर अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 4/3। बेटा अब एक बात सुनो, इसका कर्व सरफेस एरिया और दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सी एस से एक ही बात होगी, क्योंकि इसका जो फेस होता है स्फीयर का वो तो एक ही होता है ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया सी एस से एक ही होगा। तो हमने मान लिया इसका एस वन इसका एस टू, तो एस देयर फोर करके दिखा दो, एस वन अपॉन एस टू, इसका होगा 4πr² और इसका भी 4πr² होगा, 4π से 4π कैंसिल, r अपॉन r की वैल्यू इसको लिख सकते हैं r अपॉन r का होल स्क्वायर। तो s1 अपॉन s2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सब कुछ हमने निकाल लिया, 4π3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 16/9 और 16:9, यानी ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोन के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ हूज बेस इज 7 मीटर एंड हूज हाइट इज 24 मीटर। पाई की वैल्यू ये ले रही है, चार ऑप्शन। कह रहा है कि कितना कपड़ा क्लोथ आपको चाहिए जिसकी वाइड हमें ब्रेथ दी हुई है, लेंथ बतानी है आपको, ठीक, जिससे कोनिकल टेंट आपको बनाना है। कौन को ना बेटा, हम जनरली ओपन लेते हैं नीचे से बेस से। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो इसका, क्वेश्चन का, इस तरीके का क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा कपड़ा होगा क्लोथ होगा वो इसकी फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। तो बेटा वो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ को मैंने एक्स मीटर्स ले लिया। देखो ना, हाउ मेनी मीटर्स, या तो वो कहता है स्क्वायर मीटर, तो मेरे को पूरा एरिया निकालना पड़ता है इस क्लोथ का, लेकिन वो यहाँ पर खुद को, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन के जो शब्द है, जब मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनो, हाउ मेनी मीटर्स, तो ये लेंथ पूछ रहा है वो, ऑफ क्लोथ 5 मीटर वाइड, तो ये 5 मीटर वाइड है। अब इससे मुझे क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है इस तरीके से। तो टेंट बेटा ये जनरली ओपन होगा, जब हम कोन का टेंट बनाएंगे तो नीचे कपड़ा थोड़ी ना लगाएंगे, ठीक है। तो अब इससे मुझे ये बनाना है, समझ गए, जिसकी बेस रेडियस कितनी है 7, तो इसका जो बेस रेडियस है, यानी ये सेंटर है अगर इसका, तो ये रेडियस मुझे दे दिया इन्होंने 7 मीटर, समझ में आ रहा है। हाइट कितनी है इसकी 24 मीटर, सब कुछ मीटर में, डायमेंशन चेक कर दी, तो ये स्लांट हाइट होगी 90 डिग्री के ठीक सामने, होगी या नहीं होगी। तो एक काम करते हैं ना, इसका जितना एरिया होगा इसका एरिया भी उतना ही होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है जी, इसका एरिया कितना होगा
कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल, अब मुझे एल की जरूरत पड़ेगी तो पाई आर एल डिवाइड में फाइव, ठीक है ऐसे ही करना है जैसे सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो एल, देखो एल का फार्मूला क्या हो जाएगा, इट्स ट्राइंगल में कोई नाम दे दो ए ओ बी, ठीक है 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, सबको पता है इसको ऐड करोगे तो 625 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25, एल की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है 25 यहाँ पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू रेडियस 7 है इंटू एल आ गया 25 यूनिट लगा लेना भाई, ठीक है 7 से 7 5 से ये डिवाइड करेगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22 को 5 से करोगे तो 110 मीटर आएगा। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या कहता है, कहता है एक हेमिस्फेयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सेंटर, कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखो एक हेमिस्फेयर है उसको रिकास्ट करा गया, पिघलाया गया, मेल्टिंग करा गया, ठीक, और एक कोन बनाया गया, कोन की हाइट दी हुई है आपको, कोन का जो बेस है उसका रेडियस बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करते हो आप ऐसे क्वेश्चंस मेल्टिंग वाले, तो वॉल्यूम को इक्वेट करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो इससे हम यहां से निकाल लेंगे इसकी बेस रेडियस, ठीक है। तो जरा इसकी फिगर बनाते हैं, हेमिस्फीयर इस तरह बनेगा, ठीक है, ये इसका सेंटर है तो हमें इसका रेडियस दे दिया स्मॉल r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करा, कास्ट का मतलब मेल्ट करा और एक राइट सर्कुलर कोन बनाया गया, ठीक है एक कोन बनाया गया, ठीक है थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है इस तरीके से कोन बनाया गया, ठीक है ये इसकी हाइट है, रेडियस हमसे पूछ रहा है, इसकी r माना हुआ है तो r1 ले लो, इसका r2 ले लो ये पूछ रहा है, और इसकी हाइट हमें दी हुई है ये 49 सेंटीमीटर, ठीक है चलो। तो इसका वॉल्यूम V1 इसका वॉल्यूम V2 हमेशा इक्वल होगा, इस ऑब्जेक्ट को जब मेल्ट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा इक्वल रखेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। आप आर डी शर्मा कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, कोई सी भी किताब कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट पे दिए गए होंगे और आपसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर भी रहे होंगे, ठीक है जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझिए। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर है आर वन क्यूब इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा कोन का 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ कितना बचा आर वन कितना दिया हुआ 7 का क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ आर टू हमको निकालना है स्क्वायर इंटू हाइट हमें दी हुई है 49, तो बेटा आर टू निकालते हैं यहाँ से स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 49 को डाउन लो, ठीक है जी 7 7 जा 49 ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से आर टू स्क्वायर आ गया 7 2 जा 14, ठीक है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ से आ जाएगा आर टू, और अगर आप 14 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम्स 3.74, ठीक है तो रेडियस आ गई हमारी सेंटीमीटर, ठीक है स्क्वायर रूट निकालने तो आपको आते होंगे, नहीं आते तो बताना मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्कल्स पे चलते हैं बेटा। देखो सर्कल्स के दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन वाले, एक क्वेश्चन इनमें से इस तरीके का जरूर बनता है 2 मार्क्स में। क्या करना है, इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड एक्स, अब जो थ्योरम बोलूंगा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये सर्कल दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही बताना है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, जहां जहां पेन चला रहा हूँ ये ए और बी, तो यहां से आप चले और यहां तक आए, ये सेंटर है, तो बेटा ये हो गई मेजर आर्क, ठीक, और यहां से वापिस ए पर आए तो ये हो गई माइनर आर्क, हो गई। अब दोनों को ऐड करोगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आ जाएगा, इतनी बात आपको पता है। अब थ्योरम लगेगी यहाँ पे, देखो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा कौन बना रही है, मेजर आर्क, ये हमेशा डबल होगा किसके, यही जो मेजर आर्क एंगल बनाएगी यहां से यहां तक
इसके लिए रिमेनिंग पार्ट हुआ, बस ये थ्योरम है, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट, समझ गए। ये जो मेजर आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, ठीक है, यही वाली आर्क, इसके लिए ये रिमेनिंग पार्ट है, तो ये वाली आर्क कहीं पर भी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाएगी। देखो ये एंगल बन रहा है, तो बेटा ये वाला एंगल जो होगा एंगल ए ओ बी, ये ट्वाइस होगा एंगल बी सी ए से, बी सी ए से। अब एक बात सुनो, एंगल ए ओ बी, बी सी ए देखो फिगर में कितना है, ठीक है एक्स है तो टू एक्स आ गया, ठीक। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में बहुत ध्यान से देखो, ये ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसके ठीक सामने ये भी 35 होगा भाई, इसके सामने 35 तो इसके सामने 35, इन ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात लिख दोगे आप, तो 35 प्लस 35, ठीक है 35 है, प्लस ये वाला एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो बेटा एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 70 उधर आके माइनस हो गया, अब आपको क्या कह रहा है वो, x पूछ रहा है, तो मेरे पास ये वाला आ गया, तो बेटा ये पूरे एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, तो लिखेंगे 110 प्लस इसके पीछे वाला रिफ्लेक्स वाला ये हमने निकाला हुआ है 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स टू ए पॉइंट 360 डिग्री, ये बात लिख दोगे, x आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये जब उधर जाएगा तो 250 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 डिग्री, तो ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास बी, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो आप सर्कल पे, ठीक है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है x, कैसे करोगे देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। अगर आप एक काम करो, आप ये वाली सेगमेंट लो, क्या लो सेगमेंट, बार बार बोल रहा हूँ शब्दों को सुनो, सेगमेंट, और मैं हर चीज बता भी रहा हूं आपको। सेगमेंट बनती है आर्क, आर्क कैसी भी हो, माइनर हो चाहे मेजर हो, कैसी भी हो, प्लस कॉर्ड, तो इसके साथ जो सेगमेंट बनेगी दैट इज एरिया, सेगमेंट एक एरिया बनाता है, तो देखो ये एक सेगमेंट बन रहा है, यहां से यहां तक ये आर्क हो गई और ये आपकी कॉर्ड हो गई, तो एक सेगमेंट बन गया। तो ये सेगमेंट देखो यहां से यहां तक ये एंगल बना रहा है कितना 50, तो इसी सेगमेंट ने ये एंगल बनाया यहां से यहां तक 50, इतना एंगल तो आ गया मेरे पास, आ गया 50 प्लस। अब मुझे इतना एंगल और चाहिए, तो दूसरी सेगमेंट देखो कौन सी होगी, अगर आप ये वाली सेगमेंट लेते हो, ठीक है, तो देखो इस सेगमेंट ने एंगल बनाया ये कॉर्ड और ये माइनर आर्क, तो ये वाला एंगल कितना होगा यहां से यहां तक, ठीक, और इसी ने यहां से यहां तक ये एंगल बनाया पूरा 32, तो ये भी कितना होगा 32, कितना हो गया बेटा 82 डिग्री, ठीक है। एक थ्योरम लिख देना इसमें, एंगल सब्सटेंस बाई दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करना, ठीक है, डू यूर सेल्फ, ठीक है, डू यूर सेल्फ, ठीक, एक क्वेश्चन तो बनता है ना होमवर्क में देना, ठीक, ये 4 ऑप्शंस है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। स्टैटिक्स पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए स्टैटिक्स पे मैं आ गया हूँ। तो कह रहा है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 15। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू का मतलब होता है क्लास मार्क जिसको हम बोलते हैं, एंड द क्लास साइज इज 4, ठीक है। कह रहा है द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बताओ, इनमें से क्या होगी। सुनो हमारे पास सीधा फार्मूला है मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू क्या लिखना है आपने, सीधा मिड वैल्यू का हो या फिर क्लास मार्क का हो, एक ही बात है, ठीक है। इसका सीधा फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। एक क्लास साइज का फार्मूला होगा, ठीक, क्लास साइज का फार्मूला होता है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। देखो आपके स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हिस्टोग्राम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसको प्लीज वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने उनके पीडीएफ्स भी दिए हुए हैं, ग्राफ भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब कह रहा है आप उस क्लास इंटरवल की जो भी है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट बताओ। अब आपको क्या कह दिया उसने, द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 15, ये आपको दे दिया उसने, ठीक है। तो देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और ये मिड वैल्यू कितनी दे दी आपको, 15 दे दिया,
ठीक है, क्लास साइज कितना दे दिया, 4 दे दिया, ये क्लास साइज 4 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 4 प्लस लोअर लिमिट इक्वल्स टू अपर लिमिट, ये अपर लिमिट की वैल्यू मिल गई, ठीक। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, ठीक है, तो अपर लिमिट की जगह पर रखते हैं 4 प्लस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, फिर एक लोअर लिमिट ये है, ठीक, और 15 × 2 = 30, समझ में आया स्टेप। तो यहां से देखो, लोअर लिमिट और लोअर लिमिट एक्स वाई में भी मान के हम कर सकते थे, ठीक है, ये कितना होता है 2 लोअर लिमिट इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा 4 − 26, तो बेटा लोअर लिमिट आ रहेगी 19। तो देखो ऑप्शन क्या है, ठीक है, ऑप्शन है हमारा डी। प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन।